नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारा उत्तराखंड में और राज्य की खबरों के साथ। मैं हूं प्रीति बिष्ट। शुक्रवार की रात यानी कि कल रात देहरादून के क्रॉस रोड मॉल में बवाल हो गया। एक अधिकारी लेडीज टॉयलेट में घुस आया और युवती से छेड़खानी करने लगा। ये आरोप किसी और पर नहीं बल्कि एसडीएम पर लगे हैं। एक युवती ने एसडीएम पर बलात्कार की कोशिश करने जैसा संगीन आरोप लगाया है। युवती के मुताबिक एसडीएम उसे काफी देर से घूर रहा था। जैसे ही टॉयलेट में गई तो वो भी अपने दो साथियों के साथ पीछे से आगे और उसे छेड़खानी करने लगा। बाहर खड़े उसके दोस्त ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उसके साथ ही उन्होंने मारपीट की और उसे कार में डालकर ले जाने का प्रयास हुआ है, लेकिन इसी बीच पुलिस आ गई और उसे छुड़ाया गया। लोगों की इस घटना की खबर मिली तो इनके बाद जमकर पिटाई भी कर दी गई, जिसके बाद मॉल में अच्छा खासा बवाल हो गया। पुलिस को मौके से एसडीएम की कार मिली है। फिलहाल जांच पड़ताल इस मसले पर चल रही है। तो यहां पर यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि एसडीएम की कार में क्या एसडीएम ही सवार था या फिर कोई और लोग यहां पर सवार थे, लेकिन जो भी है घटना अपने आप में वाकई बहुत गंभीर है। इस तरह से मॉल में एक युवती के साथ छेड़छाड़ की कोशिश और उसे अपहरित करने की कोशिश की गई। बंदे ने बोला क्या ये मेरा फ्रेंड है तो मैं इसको सेफ्टी मेरे साथ चल, और वो मेरे साथ पीछे पीछे बातें में इसने उस बंदे को बोला सर सर ये लेडीज बाथरूम है। इस बंदे ने बोला ये मेरा फ्रेंड है तो मैं इसको सेफ्टी मेरे साथ चल, और वो मेरे साथ पीछे पीछे बातें में इसने उस बंदे को बोला सर ये लेडीज। तो युवती क्या कुछ आरोप लगा रही है आप देख सकते हैं। उसका कहना है कि वो लेडीज टॉयलेट में लेडीज वॉशरूम में गई थी, लेकिन वहीं दो लोग घुस आए और उसके साथ बदतमीजी करने लगे। इसके अलावा उसे कार में खींचकर ले जाने की कोशिश की, किसी तरह पुलिस की दखलअंदाजी से वो बच गई। बैठी हुई थी, हम लोग नॉर्मली खा पी रहे थे, वो बंदे तीन बंदे पहले से वहाँ पे बैठे हुए थे। इस अराउंड मैं बैठी थी वहाँ पे 6 बजे, हम लोग 6 बजे वहाँ पे आ चुके थे। हम लोगों ने अपना ऑर्डर किया, फूड ऑर्डर किया, हम लोगों ने बुलाया, देन वो बंदा तब से मुझे देखने में ग्वाइकी करने में लगा हुआ था। तो मैंने अपने फ्रेंड्स को बताया कि ये बंदा मुझे देख रहा है। उसने बोला जस्ट इग्नोर हिम, होता रहता है लड़कियों के साथ। बट आफ्टर दैट उसने बोला चलो, तो उसके बाद मैं वॉशरूम गई। वॉशरूम मैंने इसको अपने साथ कैरी किया क्योंकि मुझे उनसे डर लग रहा था। मैंने बोला चलो आ जाओ, ये मेरे साथ आया, मैं वॉशरूम गई, वो बंदा मेरे पीछे पीछे मेरे वॉशरूम में लेडीज वॉशरूम के अंदर घुस गया। इसने उसे मना किया कि सर सर सर, इसने तीन बार बोला सर ये लेडीज वॉशरूम, आप कहाँ जा रहे हो। बंदा मेरा वेट कर रहा कि कहाँ गई, उसको पकड़ के वहां तक लेकर गए सनबर्न रेस्टोरेंट तक, उसे मारा कि कौन हुआ। इन्होंने बताया कि मैं वॉशरूम में गई हुई थी और मेरे पीछे पीछे जो अपने आप को एसडीएम बता रहे थे उनके दो साथी अंदर लेडीज वॉशरूम में घुसे, बाहर किसी लड़के ने उन्हें मना करा जो अपना नाम अभिषेक रावत बता रहा है। इसी बात पर उन्होंने उस अभिषेक रावत से मिसबिहेव किया, उसके साथ मारपीट करी जैसा इन्होंने मुझे बताया है, और उसे गाड़ी में ले जाने लगे। और रोहित जी आ गए तो रोहित राणा जी आए तो उन्होंने उस लड़के को छुड़वाया। एसडीएम सर बर्निया, लेकिन बर्निया जी इसमें आए थे या कोई मेहमान आए थे ये थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ, पता कर लेते हैं। और सुदीप जैन हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। सुदीप, बहुत बड़ी और बहुत गंभीर ये घटना है, यहाँ पर उस बात का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। अगर वो अपने जो भी इनके मकसद थे उसमें कामयाब हो जाते तो वो ये घटना कितनी ज्यादा दुस्साहसिक हो सकती थी। ये बताएं कि कल रात का मामला है, अब तक पुलिस क्या कोई ठोस कार्रवाई इसमें कर पाई है? देखिए, कल रात जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद 11:30 बजे से लगभग जनपद में हड़कंप है, डीएम और कप्तान दोनों सन्नाटे में है। हालांकि पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है, कल रात तक पुलिस ये इस बात से इनकार कर रही थी कि कोई एप्लीकेशन ही नहीं आई है, कोई शिकायत ही नहीं आई है। लेकिन अब जब हमारे पास व्हाट्सएप के जरिए एप्लीकेशन पहुंच चुकी है जिससे डालनवाला थाने की रिसीविंग है, तो पुलिस हलकान है, जवाब नहीं देते बन रहा। और तर्क ये दिया जा रहा है कि पीड़िता ने स्वयं तहरीर क्यों नहीं दी, लेकिन सवाल ये है कि कई मसलों पर तो पुलिस स्वयं मुकदमा दर्ज कर लेती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस लेती है, तो इसमें क्यों नहीं लिया जा रहा। हालांकि अभी एक खबर और आई है जो इसको अपडेट करती है कि दोनों पक्षों से संपर्क कर रही पुलिस ताकि पुलिस बयान ले सके। हालांकि पुलिस ने तहरीर ली नहीं, रिसीविंग दे दी, मुकदमा दर्ज नहीं है, तो बयान कहां इंदराज होंगे, बयान कैसे दर्ज होंगे, कई चीजों का प्रति सवाल बना हुआ है कि पुलिस पर कहीं ना कहीं एसडीएम का और एक मंत्री के ओएसडी का जो बेहद रसूखदार है का दबाव साफ तौर पर दिखता है। प्रीति, तो सुदीप, ये बड़ी हैरानी वाली बड़ी शर्म की बात है कि यहाँ पर एक घटना हुई है, बजाय इसके कि कार्रवाई करे पुलिस यहाँ पर छोटे छोटे बड़े कुतर्क दे रही है कि तहरीर उसकी ओर से नहीं आई जो पीड़िता है, और अपनी जो भी काम है उससे बचने की कोशिश कर रही है। तो सुदीप, यहाँ पर सीधे लगता है कि कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है इसमें जो आरोप युवती लगा रही है, तो आरोपों की सच्चाई यहीं पर साबित हो जाती है क्योंकि यहाँ पुलिस काम नहीं कर रही।
जी देखिए, छेड़खानी हुई है बाकायदा, मारपीट हुई है बाकायदा, इस बात के पुख्ता प्रमाण मिल चुके हैं, हर व्यक्ति इस बात को कह रहा है। प्रीति, समझने की आवश्यकता ये भी है कि सचिवालय से चंद कदम की दूरी पर, डालनवाला थाने से चंद कदम की दूरी पर और एसएसपी कोठी के दूसरे चौक की ये घटना है, बहुत प्राइम लोकेशन की घटना है, कोई कैसे इंकार कर सकता है। सवाल अब न्याय का भी खड़ा हो रहा है कि पुलिस का डंडा सिर्फ गरीब मजलूमों पे चलता है, रसूखदारों असरदारों के सामने वो मैनेजमेंट मैनेजर की स्थिति में खड़ी होती है। इस पूरी प्रकरण में भी करीब करीब यही स्थिति दिखती है। पुलिस अफसरों के पास जवाब नहीं है, मीडिया से बच रहे हैं, हालांकि एसएसपी ने भी कुछ देर बाद बुलाया है, मुझको अपना कुछ पक्ष रखेंगे। जी बिल्कुल सुदीप, बेहद शर्मनाक ये घटना है और अगर इसका मतलब भगवान ना करे किसी संग अगर इस तरह की घटना होती है तो उसके बाद जो कुछ सियासत होती है और लोग जाते हैं परिजनों से मिलने, वो हम सब देखते हैं। लेकिन घटना को रोकने से पहले क्या करना चाहिए, ऐसा क्या करना चाहिए कि इस तरह की घटना ना हो, उसको लेकर यहाँ कोई कदम नहीं उठाए जा रहे और अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सुदीप, शुक्रिया आपका जानकारी। बीजेपी मिशन 2017 फतह करने के लिए आंदोलनों की रणनीति बनाने की तैयारी में है। रामनगर में 14 फरवरी को पार्टी के आला अधिकारियों की बहुत महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, जिसमें राज्य सरकार के खिलाफ किस तरह से यहां पर मुद्दों को उठाया जाए, कैसे आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए, इस पर चर्चा होगी। चेतना यात्रा के जरिए बीजेपी ने चुनाव का शंखनाद तो कर दिया, लेकिन अब इसे धार देने की तैयारी में है पार्टी के मुखिया अजय भट्ट। अब रामनगर में वो अपनी नई कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के साथ रण फतह करने की रणनीति बनाने जा रहे हैं। रामनगर में 14 फरवरी को बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होनी है, जहां प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू और सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश पार्टी नेताओं को एकजुटता के साथ आगे बढ़ने का मंत्र देंगे। वहीं सदन में सरकार पर प्रभावी तरीके से प्रहार करने के लिए नए नेता प्रतिपक्ष के नाम पर भी विधानमंडल दल की बैठक में मंथन होगा। नेताओं की जिम्मेदारियां तय भी की जाएंगी। किस प्रकार से पार्टी की योजना रहेगी, इसके बारे में हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उसका मार्गदर्शन मिलेगा और साथ ही पार्टी के अंदर क्या राज्य स्तर पर गतिविधियां होने वाली है उस पर विचार किया जाएगा। इस बैठक में हम आने वाले समय के लिए इस राज्य में कांग्रेस सरकार के खिलाफ जन आंदोलन खड़ा करने वाले हैं और जिला मुख्यालयों से लेकर प्रदेश के मुख्यालय पर उसके लिए रणनीति बनेगी। इस बैठक में बीजेपी आक्रामक आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार करेगी। राजधानी से लेकर ब्लॉक स्तर तक प्रदेश सरकार की असफलताएं जनता तक पहुंचाने के लिए अभियान शुरू किया जाएगा। बीजेपी हो या कांग्रेस, चुनावी साल में हर कोई दम लगाना चाहता है ताकि जीत में कोई कसर न रह जाए। अब कितना दम ज्यादा दमदार साबित होता है और किसका वार ज्यादा असरदार, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। 2017 के सियासी जंग की जीत के लिए भाजपा की नई टीम अपनी तैयारी को परखने जा रही है। अब देखना होगा कि इस मंथन के बाद सड़क से सदन तक आक्रमण के लिए भाजपा की टीम क्या रणनीति लेकर सामने आती है। कैमरामैन गौरव पंत के साथ मैं प्रशांत राय, समाचार प्लस, देहरादून। और प्रशांत राय इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो प्रशांत, अगर एक तरह से हम कहें कि अब वाकई में एक ऐसी ठोस रणनीति बनेगी जिसके बाद अब 2017 तक बीजेपी को चलना है, गलत नहीं होगा, तो क्या कुछ तैयारी इसको लेकर है? बिल्कुल प्रीति, 2017 के लिए एक ठोस रणनीति भाजपा बनाने जा रही है और उसके लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, संगठन महामंत्री और जो भी नए पदाधिकारी बनाए गए हैं, वरिष्ठ नेता पार्टी के, वो बैठेंगे रामनगर में। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री अपनी जनसंवाद यात्रा के द्वारा कांग्रेस के अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं, उसके टक्कर में अब बीजेपी किस तरीके से उतरे, इसको लेकर के एक ठोस रणनीति बनाने पर विचार विमर्श होगा। उसके साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष किसे बनाया जाए, इस पर भी विधानमंडल दल की जो बैठक होनी है रामनगर में, उस पर मंथन किया जाएगा। जी प्रीति, तो प्रशांत, यहाँ पर हमने देखा कि जो प्रदेश का अध्यक्ष चुना था तो उसके लिए कितनी ज्यादा जंग यहाँ पर हुई, क्योंकि सबको संतुष्ट भी करना है। तो चलिए, ये तो एक लड़ाई है कि कांग्रेस के खिलाफ लड़नी, लेकिन नेता प्रतिपक्ष चुनने के लिए भी खासी माथापच्ची करनी पड़ रही है और कौन कौन से नाम सामने आ रहे हैं? बिल्कुल प्रीति, एक बड़ी चुनौती है क्योंकि बजट सत्र भी होना है, उससे पहले नेता प्रतिपक्ष का चयन करना है। तो इस समय जो नाम सामने आ रहा है, सबसे आगे मदन कौशिक का नाम सबसे आगे आ रहा है, हरिद्वार से जो विधायक हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ हरबंश कपूर जो कि देहरादून कैंट से और डीडी हाट से विधायक हैं, बिशन सिंह चौपाल, उनकी भी दावेदारी सामने आ रही है। तो ये तीन नाम है जो इस समय जिन पर मंथन चल रहा है और उम्मीद है कि रामनगर की बैठक में किसी एक नाम पर आम राय बनाने का प्रयास किया जाएगा। जी प्रीति, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत जानकारी के लिए। तो अब देखते हैं कि नया जो नेता प्रतिपक्ष है, जल्द चुनना है यहाँ पर बीजेपी को।
और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे पर्यटन विभाग की नाकामी। इस अपनेपन के रिश्ते को शुद्धता के साथ निखार रहा है ब्राह्मी, आमला, भृंगराज, घृतकुमारी, जटामासी, मेहंदी व नाग केसर आदि बेशकीमती 21 जड़ी बूटियों से निर्मित पतंजलि केश कांति तेल व शैम्पू। अब अपने बालों से कहो, जुग जुग जिया। ये तो बहुत कमजोर है, कुछ भी खाते हैं इनके तन को लगता ही नहीं। इन्हें एनर्जिक 31 दीजिए। एनर्जिक 31? जी हाँ, तंदुरुस्ती और ताजगी के लिए एनर्जिक 31 कैप्सूल। प्रियंका चोपड़ा जो दिखाई देती है वो है नहीं, नाम बड़ा पर दिल छोटा सा, क्या फायदा नाम और शोहरत का। पहले अच्छी इंसान तो बने, लोग तो कुछ भी कहेंगे, पर मेरे लिए अच्छाई की सच्चाई कुछ और है। दिल बड़ा तो तू बड़ा। रजनीगंधा सिल्वर पर्ल्स, अच्छाई की एक अलग चमक होती है। स्वागत है ब्रेक के बाद। राज्य का पर्यटन महकमा पर्यटन का व्यवसायीकरण करने में नाकाम साबित हो रहा है, जिसके चलते विभाग घाटे में है। और अब विभाग के हालात सुधर जाने के बजाय सरकार पर्यटन विभाग की तमाम योजनाओं को पीपीपी मोड पर देने की तैयारी में है, जिससे विभागीय अधिकारियों की कार्यक्षमता पर सवाल उठने लाजमी है। हालांकि पर्यटन मंत्री कहते हैं कि सरकार के पास बजट कम है, इसलिए पर्यटन विभाग की योजनाओं को निजी हाथों में दिया जा रहा है, जिससे पीपीपी मोड पर काम करने वाली एजेंसी को लाभ मिलेगा और सरकार का भी फायदा होगा। तो भी हाल ही में एक रिसर्च आई थी जिसमें ये बात साफ हो गई थी कि जो पर्यटक हैं वो अब उत्तराखंड की तरफ नहीं आ रहे हैं, और काफी गंभीर आंकड़े थे, चौंकाने वाले आंकड़े थे। तो इन आंकड़ों पर अमल करते बजाय इसके कि सरकार खुद को मजबूत करती, यहाँ उससे बड़ा बीच का सुरक्षित रास्ता निकाला, या यूं कहें कि अपना पल्ला झाड़ने का रास्ता निकाला है। अब यहाँ पर पीपीपी मोड पर देने की तैयारी चल रही है पर्यटन व्यवसाय, क्योंकि गवर्नमेंट में इतना पैसा नहीं है कुछ चीज डेवलप करना। आज दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया पीपीडी मोड, और उसमें हम प्राइवेट पार्टनरशिप में हम उन क्षेत्रों का विकास करते हैं, मूलभूत सुविधाएं देते हैं, और सरकार को उसमें आय होती है, और जो उससे जुड़ते हैं जो पार्टनर होते हैं उनको भी उससे आय होती है। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपने उपभोक्ताओं को सरचार्ज में छूट देने का फैसला किया है, लेकिन साथ ही यूपीसीएल और उपभोक्ताओं के बीच चल रही कानूनी लड़ाई भी खत्म करने की बात कही है। यूपीसीएल की तरफ से दावा किया गया है कि विभाग अपने स्तर पर जनता को हर संभव राहत देने की कोशिश कर रहा है, जिसके चलते ही सरचार्ज में छूट जैसा बड़ा फैसला लिया गया है, और 31 मार्च 2015 से पहले का कोई भी मामला विभाग के संज्ञान में लाकर इस छूट को हासिल किया जा सकता है। इसके अलावा अदालत का रास्ता चुनने वाले उपभोक्ता भी मुकदमा वापस लेकर सरचार्ज में छूट का फायदा उठा सकते हैं, लेकिन उन्हें पहले मुकदमा वापस लेने के कागजात विभाग में जमा करने होंगे। भी सरचार्ज छूट का लाभ उठा सकते हैं जिनके कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, कोर्ट केस वो वापिस ले लें और हमारे यहाँ एसडीओ कार्यालय में, संबंधित एसडीओ कार्यालय में अप्लाई करें, और उसको एसडीओ जो है कैलकुलेट करके बता देगा कि उनका कितने ड्यूज बकाया हैं, इस योजना का वो भी लाभ उठा सकते हैं। इन दिनों गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़े अस्पताल और एकमात्र मेडिकल कॉलेज श्रीनगर बगैर मुखिया के ही संचालित हो रहा है, जहां पूर्व प्राचार्य आईएएस योग पर चली चिकित्सा शिक्षा की गाज के चलते अब अपने मूल विभाग एनेस्थीसिया में डीन के पद पर भेज दिए गए हैं। वहीं उनकी जगह शासन ने डॉक्टर आरसी पुरोहित को प्राचार्य पद पर अस्थायी नियुक्ति दी थी, तो उन्होंने भी अब निजी कारणों के चलते प्राचार्य पद पर 2 दिन के भीतर ही अपना इस्तीफा शासन को भेज दिया है, जिससे अब मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। स्थानीय लोगों ने चिकित्सा शिक्षा मंत्री के न्याय करने और मेडिकल कॉलेज श्रीनगर की व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त करने की मांग की। पूरे गढ़वाल में यह था कि श्रीनगर एक हब के उसमें उतर आ रहा था कि मेडिकल के उसमें भी, तो बहुत ज्यादा मुश्किल है आने वाले समय में कि पेशेंट कहाँ जाएंगे, क्या जाएंगे, कुछ समझ में बात नहीं आ रही है। और राज्य सरकार को इसमें जो है बिल्कुल पहल करनी चाहिए, जो इसके मंत्री हरकृष्ण राव जी को इसमें इनको पहल करनी चाहिए कि इसको जो है बिल्कुल सुनिश्चित करके इसको बढ़िया तरीके से जो है गढ़वाल को समर्पित किया जाए।
और वैलेंटाइंस डे के लिए बाजार सज चुके यंगस्टर्स को लुभाने के लिए दुकानदारों ने कई ऑफर्स भी यहां पर तैयार रखे हैं। लेकिन विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल प्यार पर पहरा लगाना चाहते हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि किसी को भी वैलेंटाइंस डे नहीं मनाने दिया जाएगा। विहिप नेताओं का कहना है कि युवा वैलेंटाइंस के बजाय शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का बलिदान दिवस मनाएं। हालांकि बवाल की आशंका के चलते पुलिस पहले से ही अलर्ट है। कोतवाल इंचार्ज का कहना है कि पुलिस किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने नहीं देगी। और इन सब के बीच बाजार सजे हुए हैं और लोग जा रहे हैं अपने पसंद के खरीदारी करने के लिए। अगर कोई भी युवा वैलेंटाइन डे का कार्यक्रम करता है तो उसका विरोध करेंगे, क्योंकि 14 फरवरी को हमारे देश के महान क्रांतिकारियों की फांसी की सजा सुनाई गई थी और हमारे देश के युवा इस रास्ते से भटक गए, उनका बलिदान भूल गए और पश्चिमी सभ्यता अपना रहे हैं। शांति के तरीके से उन्हें समझाएं कि ये हमारे संस्कृति के खिलाफ है, इसको आप ना मनाएं। मारपीट होगी उनके साथ? नहीं, कोई मारपीट नहीं होगी। जो बच्चे नाबालिग हैं उनके ऊपर ऐसा एक्शन किया जाएगा, बाकी नहीं। हाँ, अगर कानून अपने आप ही कोई लेता है तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। राजधानी देहरादून में सीनियर सिटीजन बदमाशों के निशाने पर है। कोतवाली थाना क्षेत्र के केशव विहार में सीनियर सिटीजन दंपत्ति के घर में 4 बदमाश घुस आए और बुजुर्ग महेंद्र सिंह पर हमला बोल दिया। बदमाशों ने उन पर गोली चलाई लेकिन महेंद्र ने अपना बचाव कर लिया जिससे गोली उन्हें नहीं लगी, लेकिन राइफल का बट उनके सर पर लगने से वो बुरी तरह जख्मी हो गए। इसके बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। बुजुर्ग दंपत्ति ने इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी। पुलिस और फॉरेंसिक टीम पड़ताल के लिए मौके पर पहुंच गई है। घायल महेंद्र सिंह को दून अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी बिगड़ती हालत देखने के बाद उन्हें बाद में फायर सेंटर से रेफर किया गया। एक बुजुर्ग व्यक्ति पे हमला करने की घटना सामने आई है और अभी हम लोगों ने मौके पे पूरा देख लिया है और बुजुर्ग व्यक्ति जो है उनको महेंद्र सिंह नाम के उनको उपचार के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया है और बाकी हम लोग अभी घटना की जानकारी कर रहे हैं और जो भी तथ्य आते हैं उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। ये सूचना हमला करने की मिली थी कि बुजुर्ग व्यक्ति पर हमला हुआ है और वो मौके पर आके हमने देखा है, वहाँ पे काफी उनको चोट तो है और उनको हॉस्पिटल भेज दिया गया है और जो भी होगा हम इसमें अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। उत्तरकाशी नगरपालिका के काम पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। नगरपालिका से केदारघाट मार्ग जो पहले से ही सही हालत में था लेकिन उसी मार्ग पर टाइल्स को उखाड़ कर फिर से लगाया जा रहा है। ये काम कुछ दिनों से चल रहा है पर मीडिया की नजर जब इस काम पर पड़ी तो पहले काम कर रहे लोग भागे और वहीं पूरे मामले की पड़ताल करने पर पता चला कि ये दरअसल पूरा जुगाड़ हो रहा था पैसों को ठिकाने लगाने का। पुराने काम पर लिपापोती कर ठीक से पैसे की आपस में बंदरबांट चल रही है जिसमें सबकी मिलीभगत है। ये काम राज्य वित्त से मिलने वाले पैसे से हो रहा था। आपको बता दें कि हर साल नगर को 3 से 4 करोड़ के बीच राज्य वित्त से पैसे उपलब्ध करवाए जाते हैं, कई और मद से भी पैसा मिलता है, लेकिन नगर पालिका के अधिकारी और ठेकेदार पैसे को ठिकाने लगाने से बाज नहीं आते। बजाय इसके कि जहां जरूरत है वहां निर्माण कार्य कराएं, वहां निर्माण कार्य होते हैं जहां कम लागत में लीपापोती हो जाए, वहीं अधिशासी अधिकारी इस मामले पर गोलमोल जवाब देते नजर आ रहे हैं। संबंध में जेई के द्वारा भी मुझे अवगत कराया गया है और रिपोर्ट आने के बाद जो है हम उसके अंदर जो है अगर वो गड़बड़ सड़बड़ काम कर रहे हैं, अब वो तो पहली बार उनका पेमेंट ही नहीं होगा अगर वो गड़बड़ काम करते हैं और उनको भी नोटिस भी दिया जाएगा और अगर वो सही ढंग से काम नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। तो जहां जरूरत नहीं है वहां का हाल आपने देखा, जहां वाकई में जरूरत है वहां का भी हाल आपको दिखाते हैं। कोटद्वार से बाबर तक बन रही सड़क 6 साल हो गए अब तक पूरी नहीं हो पाई। कछुआ गति से चल रहा काम कई लोगों की मौत का सबब बन चुका है। आए दिन यहां हादसे हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि जो ठेकेदार इस सड़क पर काम कर रहा है वो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री का बेहद करीबी है, जिस कारण विभाग ठेकेदार पर कार्रवाई करने से डर रहे हैं। सड़क न बनने से ग्रामीणों में गुस्सा है। उनका कहना है कि सड़क किनारे बन रही नालियां यहाँ वहाँ खोदकर छोड़ दी गई है जिससे आए दिन यहाँ पर लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं। वहीं कोटद्वार के पूर्व विधायक शैलेंद्र सिंह रावत ने आरोप लगाया है कि सरकार और स्वास्थ्य मंत्री को जनता की सहूलियतों से कोई सारोकार नहीं है। वल्डी जो है सड़क के दोनों ओर नालियाँ बना रही है, ये बहुत लंबे टाइम से बना रही है। इन्होंने जो है बड़े बड़े गड्ढे जो है खोद कर छोड़ दिए हैं दोनों ओर नाली बनाने के लिए और निर्माण कार्य लापरवाही कारण नहीं कर रहे हैं, जिससे जो है
जनता को परेशानी हो रही है, लोग जो है उन नालियों में गिर रहे हैं। इसलिए ये समय पे ये सड़क का निर्माण शुरू नहीं किया गया, केवल राजनीतिक रोटी सेकने के लिए और अपने खाते में सिरे लूटने के लिए, क्योंकि ये चाहते हैं कि हमारे खाते में विकास के काम जुड़े जो तत्कालीन सरकार के कार्यकाल में ये कार्य प्रारंभ हो गए थे। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख का ऐलान हो गया है। हर साल परंपरा के मुताबिक टिहरी राजा के राजमहल में राजघराने के कुलपुरोहित ने बद्री धाम के कपाट खुलने की तिथि का ऐलान किया, तो 11 मई का शुभ मुहूर्त निकाला गया है। जबकि गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया को खुलेंगे, वहीं केदारनाथ धाम के कपाट खुलने का शुभ मुहूर्त शिवरात्रि के दिन ऊखी मठ में निकाला जाएगा। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख के ऐलान के साथ ही चार धाम यात्रा की तैयारियां भी शुरू कर दी गई है और सबसे बड़ी चुनौती है मार्ग का दुरुस्तीकरण। कई जगह पर अब भी मार्ग खराब है और कपाट खुलने की तिथि के ऐलान के बाद अब यहां पर कामों में किस तरह से तेजी आती है और जो दावे सरकारी हैं वो कितने पूरे होते हैं ये देखना होगा। 11 मई प्रातः 4:30 ब्रह्म मुहूर्त में कपाट का जो है शुभ उद्घाटन हो जाएगा। मैं सारे हमारे जितने भी वहाँ आने वाले पर्यटक होंगे उनको मैं यही आशा करता हूँ कि उनकी यात्रा मंगलमय हो। टेंपल कमेटी भी सुरक्षा के साथ साथ यात्रियों की सुविधा के दृष्टि से अगर देखें तो उस पर हम खास ध्यान रख रहे हैं। हम यात्री जो हमारे यात्री ग्रह हैं उनको ठीक कर रहे हैं, कतारों में लोगों को दिक्कत न हो उसको ठीक कर रहे हैं। सड़कें सुंदर बनी है, कम से कम रुद्रप्रयाग तक तो सड़क बहुत अच्छी बन गई है। आगे सड़क का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, बहुत सुंदर यात्रा के लक्षण हमें दिख रहे हैं। तो इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद